इंजीनियरिंग सीखता हूँ और दिमाग से थोड़ा। फाइनली दोस्तों, विद्युत जामवाल की और अर्जुन रामपाल की मूवी क्रैक सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के नीचे आपको एक लाइन मिलेगी, जीतेगा तो जिएगा। मतलब इस मूवी का जैसा नाम है वैसा इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। तो दोस्तों, कैसी है मूवी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले, आप जो भी फेक रिव्यूअर है, बायस्ड रिव्यूअर है, पैसे खाकर रिव्यू करते हैं, जो इस मूवी को बैड रिव्यूज दे रहे हैं, उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए और डिसलाइक भी मारिए उनके वीडियो पे, क्योंकि बिल्कुल बिके हुए। ये मूवी जितनी जबरदस्त है ना, उतनी जबरदस्त कोई एक्शन मूवी अभी तक नहीं देखी होगी आपने। इतना बेहतरीन काम किया है इसमें विद्युत जामवाल ने, प्रोड्यूसर भी वो खुद है और अर्जुन रामपाल को उन्होंने जो कास्ट करके सबसे बेहतरीन काम किया है, क्योंकि उनसे बेहतरीन विलन कोई और हो ही नहीं सकता है ऐसी मूवीज के लिए। तो दोस्तों, इस मूवी में अर्जुन रामपाल तो विलन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन विद्युत जामवाल की क्या स्टोरी है, तो स्टोरी काफी सिंपल है। उनके भाई जिस गेम के लिए अपनी जान दे देते हैं, बस उसी गेम को जीतने के लिए विद्युत जामवाल निकल पड़ते हैं। तो यही स्टोरी का जो मेन पॉइंट है, बाकी ये पूरा एक्शन पे डिपेंड है मूवी। जो एक्शन सीक्वेंसेस है ना, वो आपको देखने में मजा आएगा। जितने भी एक्शन सीन है वो टॉप नॉच लेवल के हैं, एक से बढ़कर एक एक्शन सीन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें रेसस होती है, एक मैदान करके जो खेल का जो प्लॉट का नाम रखा गया मैदान नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं और सभी को जीतना पड़ता है, काफी डेडली होते हैं जिसमें जान भी जा सकती है और जीतने पे करोड़ों रुपए भी मिल सकते हैं। तो ये गेम चलता रहता है पूरी फिल्म के अंदर। फर्स्ट हाफ में भी आपको काफी मजा आएगा, सेकंड हाफ में भी। बस आप एक्शन सीक्वेंसेस देखते जाए, क्योंकि विद्युत जामवाल है तो रियल एक्शन होगा, वो खुद अपने स्टंट खुद ही करते हैं, कोई भी VFX का यूज नहीं होता इसमें ज्यादा। मतलब तो यही सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि उनकी फिल्मों में आपने देखा हो, कमांडो मूवी देख लो या जो भी खुदा हाफिज, सब मूवी में जबरदस्त एक्शन किया है। और विद्युत जामवाल को भी उन्होंने काफी मोटिवेट किया है एक्शन करने के लिए, उन्होंने भी जहां तक हो सकता है पॉसिबिलिटी रियल एक्शन करने की कोशिश की इस मूवी के अंदर। नोरा फतेही और एमी जैक्सन अपनी अपनी जगह पे शानदार अदाकारी करते नजर आएगी आपको इस मूवी के अंदर। जितना रोल देना चाहिए उतना रोल उनको मिला है, ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, फिर भी बहुत ही जबरदस्त काम किया है। रोमांस भी देखने को मिलेगा आपको विद्युत जामवाल और नोरा फतेही का, साथ में कॉमिक टाइमिंग भी है जामवाल की इसमें। मुंबई के लड़के हैं, उसी टोन में ये बात करते हैं मूवी के अंदर। तो दोस्तों, जब आखिरी जो सीन आता है ना, जिसमें जो आखिरी गेम का फाइनल स्टेप होता है, तब अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल का फेस ऑफ होता है। जबरदस्त बॉडी दिखाते दोनों, और हाथ में बॉम्ब भी होता है जिसमें वो फट भी सकता है वो गेम। मतलब काफी डेडली सीन है और आखिरी में विद्युत जामवाल जो है जीतते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की मूवी है। इस मूवी की स्टोरी है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इस मूवी का जो प्रेजेंटेशन है ना, जो आपको सीन देखने को मिलेंगे उसमें आपका पैसा वसूल होगा। आप सोचो कि स्टोरी वगैरह इतना ज्यादा अभी हाई लेवल सोच के नहीं जाना चाहिए, मूवी को एंजॉय करने के हिसाब से जाना चाहिए और आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, वो सीन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जाइए, मैं रिकमेंड करता हूँ इस मूवी का, आपको पैसा वसूल जरूर होगा। जो इस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं वही जाइए, जो ज्यादा अलग लेवल की जो प्रोफेसर बन के जाते हैं ना मूवी देखने, वो बिल्कुल भी मत जाइए, उनको मैं ना ही कह रहा हूँ। जिन्हें पसंद है एक्शन वो जाइए इस मूवी को देखने, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विद्युत जामवाल की सबसे बेस्ट मूवी लगी अब तक उनकी जितनी भी मूवीज थी उसमें से। आपको ये मूवीज कैसी लगी, आप अगर जाके देख चुके हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं गए तो जाकर देखिए। हम आर्टिकल 370 का भी रिव्यू जल्दी लाएंगे, क्योंकि उसके साथ क्लैश हुई है। दोनों मूवी अपनी अपनी जगह पर डिफरेंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ, अगर आप विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल के फैन है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। क्रैक जीतेगा तो जिएगा।